बताइए किस तारीख को शादी हुई थी आपकी? 2012 से एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद। ऐसे नहीं मालूम है आपको ये? इट विल गो अगेंस्ट यू। आपकी निष्ठाएं कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी निष्ठा जो है पक्षकार के साथ है। नंबर 5 का फर्जी है। सर, उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया है वो सत्यापन के दौरान जो आया वो फर्जी पाया गया। अगर वो फर्जी पाया गया तो वैसे उनका अपॉइंटमेंट फिर एडिशनल कमिश्नर साहब ने कैसे दे दिया? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है रिकॉर्ड बुलाने की। आप ओआईसी हैं इसमें? एडवर्टीजमेंट जो इशू हुआ था 3/10/16 को हुआ था, जी सर, ठीक है, लास्ट डेट क्या थी? 27 अक्टूबर 2016। हाँ, तो दूसरा ये जो है इनका डिलीशन की एप्लीकेशन आई थी 84 से, तो ये क्या परित्यक्ता है, डाइवोर्स्ड है, कैसे डिलीट हो जाएगा नाम? सर, ऐसा कोई एविडेंस ना तो तो फिर मिला कैसे है डिलीट कर दिया आपने नाम? सर। वोटर लिस्ट से 2018 की वोटर एक लिस्ट तक हाँ, था, वोटर किसमें? लिस्ट का चुराली एक बार ग्राम की वोटर लिस्ट नहीं, में ये विज्ञप्ति किस जगह के लिए निकली थी, विज्ञप्ति सर 2016 सर, किस किस गांव के लिए निकली थी? सर बाढ़ 6 निवाड़ी के लिए जी, सर, बाढ़ 6 निवाड़ी के लिए वार्ड सर। 6। जी जी, सर, वार्ड नंबर 6 निवाड़ी। वार्ड नंबर 6 बोलिए ना, तो जी सर, वार्ड नंबर 6 निवाड़ी। निवाड़ी। अच्छा, तो इनका विवाह कब हुआ था इस वार्ड नंबर 5 का? सर विवाह की डेट नहीं पता तो नहीं, सर। क्योंकि इनका नाम तो चुरारी गांव चुरारी की वोटर लिस्ट में था ना, किस साल की वोटर लिस्ट में था? सर 2018 तक, लास्ट 2018 तक का एविडेंस है, हाँ, उसमें कहा था इनका नाम चौरारी ग्राम में। चुराली ग्राम में था, जी सर, तो एडवर्टीजमेंट 2016 का है, जी तो 2016 में इनका नाम था क्या वार्ड नंबर 6 निवाड़ी में? 2013 में था तो मैंने वोटर लिस्ट एक लगाई से रुक थी। जाइए वकील साहब, आप हैं रिस्पॉन्ड नंबर 5 के लिए। बताइए किस तारीख को शादी हुई थी आपकी? 2012 से एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद। ऐसे नहीं मालूम है आपको ये? इट विल गो अगेंस्ट यू। आई विल नोट दिस, जब आपका 2018 तक चुरारी में नाम था, तो यस ये तो आपको बताना पड़ेगा कि 16 में आपकी शादी कब हुई, या तो मेरे 16 के बाद हुई शादी सर, आपकी? 16 के पहले 2013 में मेरा नाम है सर, वार्ड नंबर 6 में, तो मैंने वोटर अरे भाई, लिस्ट लगाई है 2013 में वार्ड नंबर 6 में नाम होगा, शादी कब हुई? 2018 में आपका नाम चुराली में था। सर। मैंने डिलीशन की एप्लीकेशन दी मैं थी आपसे वकील साहब, देखिए आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है दैट यू डोंट वांट टू असिस्ट दी कोर्ट। आपकी निष्ठाएं कोर्ट के साथ नहीं है, आपकी निष्ठा जो है पक्षकार के साथ है, एंड यू आर विलिंग टू मिसलीड दी कोर्ट टू एनी एक्सटेंट टू सपोर्ट योर क्लाइंट। व्हेन आई एम आस्किंग यू डायरेक्ट क्वेश्चन, इन 2013 यस योर नेम वॉज देयर इन वार्ड नंबर 6, माय लॉर्ड, बट द एडवर्टीजमेंट वॉज इशूड इन 2016। माय लॉर्ड। वेन वर यू मैरिड इन विलेज चुरारी? 2012 माय लॉर्ड, 2012 में आपकी शादी हो गई थी चुरारी में। चुरारी में। उसका मैं शिफ्ट हो गया 2013 में यहाँ वार्ड नंबर 6 में, क्योंकि पति ड्राइवर था यहाँ पर वार्ड नंबर अच्छा, निवाड़ी में। कहाँ है आपके पति का वो बीपीएल कार्ड वगैरह चुरारी का, उसका वार्ड नंबर 6 का? शादी के बाद तो आपको अपने पति का कार्ड दिखाना पड़ेगा ना, सर वही लगा था 27/10/2016 का, वो जो सर तो बीपीएल कार्ड वो है। तो बीपीएल कार्ड मिला है आपको, बीपीएल कार्ड आपने बनवा लिया। आपका जब 2018 तक नाम था चुरारी की वोटर लिस्ट में, तो आप यहाँ कैसे आ जाएंगे? यहाँ कई कहाँ बार ऐसा होता है डिलीशन के एप्लीकेशन से लग जाए सर। कहाँ वेयर इज द एप्लीकेशन फॉर डिलीशन? सर ये कमिश्नर साहब के साथ, कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब के प्रस्तुत किए सर, वो रिकॉर्ड सर इसलिए बुलाया गया था अच्छा, दिखाइएगा रिकॉर्ड, सर। रिकॉर्ड दिखाइए। नहीं है सर, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का रिकॉर्ड लेकर मेरे ख्याल से सर, यदि है तो सर वो। कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ का रिकॉर्ड लाए नहीं लाए आप? हाँ सर, वहाँ जो आदेश हुए हैं आदेश नहीं, जो कागज वगैरह प्रस्तुत किए गए सर, थे वो रिकॉर्ड जो इनका वो ले आइए, वो एप्लीकेशन ले आइए। कब ले आएंगे आप, कब सुविधा है आपको? सर, लेकिन वो एप्लीकेशन सर जो उन्होंने लिखा है कि वो प्रस्तुत हुई है, वो प्राप्त नहीं हुई है, मिली नहीं है सर। तो आप ऐसा लिख के दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए कि यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि वहां पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वो जो है वो नहीं है। कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसके पास है? आप तो वाईसी है ना प्रकरण की, तो जी सर, आपके रिकॉर्ड इकट्ठा कर दीजिए। कितना टाइम लेंगी आप इकट्ठा करने में? 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते 2 वीक्स सर। 2 वीक्स। थर्ड इशू नेम का था मिलाड, ये जगह अंजलि है और अंजलि है, और दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है, हाँ एक अंजलि के और अंजनी के, दोनों का बेनिफिट दिया गया हाँ थर्ड इशू विल ऑल्सो बी क्लैरिफाइड दैट व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द नेम इन द स्कूल रिकॉर्ड विस कॉलेज रिकॉर्ड। हाँ सर। ठीक है, आने की ये फर्जी है वो, कौन सा ये स्कूल सर रिकॉर्ड और कॉलेज रिकॉर्ड वाला जो है फर्जी रिस्पॉन्ड नंबर 5 का फर्जी है। सर। उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया है वो सत्यापन के दौरान जो आया वो फर्जी पाया गया है। वैसे जो जनरल इन वार्ड का तो अगर वो फर्जी पाया गया तो वैसे उनका अपॉइंटमेंट फिर एडिशनल कमिश्नर साहब ने कैसे दे दिया? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है रिकॉर्ड बुलाने की। फर्जी है, नहीं पाएगा सर, उसमें से सर रिकॉर्ड मेरे लगाया पास सर। एक मिनट तो कैसे ओआईसी को बोलने दीजिए प्लीज। सर, ये मेरे पास उनके 5th क्लास का जो मार्कशीट है उसका सत्यापन है, सत्यापन है, जिसमें फर्जी बताया गया है। इसके अलावा उनका 10वीं और 12वीं का जो लगाया गया वो भी फर्जी बताया गया।
दोनों चीजें मेरे पास। 10वीं 12वीं का प्लीज दिखाइए। एक क्योंकि 10वीं 12वीं का तो बोर्ड ने लिख के दिया होगा ना आपको। जिसकी जो जहाँ मार्कशीट लगा। हाँ 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 प्लीज बताइए। हाँ ये 10वीं 12वीं का मेरा तभी। इसके बाद क्या बचता है बताइए जी। तो शुरुआत से तो आपको सुन लेते हैं, फिर आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम शायद। हाँ बताइए सर। उसमें डिस्पैच नंबर नहीं। हाँ ऊपर पत्रांक लिखा है ना 13/1060 पूछ लीजिए, उसको भी वेरीफाई करा लीजिए। ये कागज तो फर्जी नहीं है, ये नाम का वेरीफाई करा लेना, नाम गड़बड़ है। अरे रुक तो जाइए वकील साहब आप। सर ये सत्यापन जो है ये 17/18 में किया गया, उसके पश्चात ये 2020 में सत्यापन पूछ तो लीजिए पहले। ये इसका लेटर तो भेज दीजिए कि ये पहले आपने सत्यापन किया है। आपको 4 हफ्ते का समय देते हैं, इसको स्पीड पोस्ट से भेजिए कि पहले आपने ये सत्यापन किया था फिर ये किया, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है जी। क्या लिखा? राजेश नहीं है, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पर दे देता हूँ, सुनते भी नहीं हो यार ढंग से। R52 नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग सर्टिफाइड दैट मार्कशीट्स ऑफ कुमारी अंजनी फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वेयर इन शी हैड सिक्योर्ड 330 and 370 मार्क्स रिस्पेक्टिवली वर करेक्ट फुल स्टॉप। सिंस दिस कम्युनिकेशन डेटेड 25/3/2017 इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड बट इट इज पॉइंटेड आउट दैट इट इज नॉट एड्रेस टू एनी बडी एंड इट इज नॉट क्लियर एज टू हू हैड रिसीव्ड इट ऑन 19/4/2018 एंड टू हूम इट वॉज एड्रेस्ड। OIC is requested to seek verification of this communication also, for which she prays for and is granted 4 weeks time to do the needful list in the week commencing 12 February 2024। आपकी भी जरूरत नहीं है, ये वेरीफाई करा के भेज दीजिएगा। अगर ये सही हो मार्कशीट्स तो आप आ जाइएगा, बाकी रिकॉर्ड देख लेंगे वो कलेक्टर और कमिश्नर का रिकॉर्ड लेकर। और अगर ये मार्कशीट्स की आता है वेरिफिकेशन में कि गलत है तो फिर आपके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा नहीं रहे, हमने आपको समझा दिया है कि लिखा है इसमें। हाँ नहीं नहीं मतलब I have clarified that if these mark sheets are found to be incorrect on verification, then cross verification in relation to annexure R52, then she is not required to come. Then that is sufficient to set aside. And if they are found to be correct, then she will bring the records from the office of additional collector and the additional commissioner. मैं वो कॉपी दे देता हूँ। समझ गए आप मेरी बात? समझ गई नहीं समझी? जी सर। आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं? जी सर। ठीक है।